हम इस वक्त आए हैं डबुआ मंडी फरीदाबाद में, जहाँ के आड़तिया साहब से बात हुई है। तो वो इस समय हमारे सामने बैठे हैं। तो साहब, ये 3797 क्या रेट चल रहा है? 3797 1100 से लेके 1250 जैसा माल है वैसे रेट। अच्छा, और गुल्ला के? गुल्ला 3797 1000 से लेके 1100 तक जैसा माल है, जैसे मोटी तो पक्का होगा 1100 रुपये बिकेगा साफ। अच्छा अच्छा, और ये और कोई हाइब्रिड में? हाइब्रिड में रेट है 950 से लेके 1050 तक। अच्छा, और गुल्ले के? गुल्ला हाइब्रिड 950। अच्छा, तो अब आगे का क्या अनुमान लग रहा है सर आपका? आगे का तो बहुत ही किसी को पता नहीं है क्या होगा। अच्छा, अगर आगे का पता हो तो हर आदमी स्टॉक ही कर ले, बेचेगा तो कोई है? ना, बात तो आपकी ठीक है, मगर भी जैसे आवक हो पा रही है, जैसे फरीदाबाद में आवक कितनी है? आवक अच्छी है, अगर आवक की कम हो तो 100 रुपये और बढ़ जाए। अच्छा अच्छा, इस समय कितनी गाड़ियाँ होंगी मंडी में? कम 30 गाड़ी। अच्छा, 30 गाड़ी और 18-20 गाड़ी की। अच्छा, 10 गाड़ी ओवर चल रही हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देख रहे हो ना मेरे पास ही लग रहे हैं। हाँ, लगा पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, 1150। और सूर्या की बात करें, सूर्या भी मंगाते हैं आप? सूर्या 1300 रुपये तक, 1200 से 1300। और गुल्ला उसका? गुल्ला 1100-1150। अच्छा, तो जैसे माल होते हैं वैसे पैसे? हाँ, माल के पैसे हैं कुल मिला करके। अंदाजा कोई नहीं लगाया जा सकता है? अंदाजा कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, जैसे देखो के उसमें पंजाब में बारिश बहुत है। हाँ, बारिश हाँ ना के बराबर है। अच्छा, में ना के बराबर है। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे वहाँ के किसानों की जो वीडियो आ रही है कि भाई बहुत पानी पड़ा है और माल खराब हो गया, जगह पे है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यूपी में नुकसान हुआ है थोड़ा। अच्छा, वो भी कितना? 20-25%। अच्छा, कच्ची खोद का? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कच्ची खोद के क्या आसार हैं आगे के, जैसे इस बारिश को देखते हुए? इस बारिश को देख के आजादपुर में 15 तारीख तक आलू आ जाएगा। अच्छा, नया अक्टूबर तक। कहाँ का? होशियारपुर। अच्छा, होशियारपुर चलता है? अच्छा, ऊना हिमाचल प्रदेश। हाँ। उसके बाद होशियारपुर पंजाब। हाँ। तो वहाँ ज़्यादा फसल खराब नहीं हुई है? ज़्यादा खराब नहीं हुई। तो टाइम बढ़ गया है। हाँ, समय थोड़ा 10-5 दिन बढ़ गया है, 15-1 दिन का। हाँ, इसलिए थोड़ा आलू में मंदा तो ज्यादा आएगा नहीं। अच्छा, पर बेचते रहेंगे तो ठीक है। अच्छा, किसानों को बेचते रहना चाहिए। हाँ, आलू को अगर सारे रोक देंगे तो फिर एकदम और मंदा आएगा। हाँ, बिल्कुल, बात तो सही है। जिसके पास 1000 बोरी है। हाँ, या 500 बोरी है। हाँ, उसमें से आधा बेच ले धीरे धीरे। हाँ, बनिया हो जाए आधा। हाँ, आधा आधा बेचता रहे थोड़ा थोड़ा करके, मंदा भी देख ले, तेजी भी देख ले। हाँ, दोनों चीज देखते रहे। अब सारी तेजी देखते रहेंगे। हाँ, तो एकदम स्टॉक हो जाएगा फिर आगे। स्टॉक हो जाएगा। हाँ, बाजार में माल ज्यादा पहुँचेगा फिर एकदम से मंदा होगा। धीरे धीरे निकालते रहे, जैसे भाई जिसकी 1000 बोरी है 100 इस हफ्ते भेज दे। अच्छा अच्छा, 200 अगले हफ्ते भेज दे, इस हिसाब से। अच्छा अच्छा, जैसे और मंडियों का कोई भाव या कोई जानकारी? मंडी का हर भाव होता है। अच्छा। हाँ, और आवक के ऊपर भाव होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आवक के ऊपर होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आगे की कुछ कहा नहीं जा सकता है? बस नहीं कहा जा सकता, ये तो कोई भी भगवान नहीं है, आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, आइडिया के ऊपर तो तेजी आई है 100-150 रुपये की। हाँ, आइडिया के ऊपर ही तेजी आई है। नहीं, आज से पहले ऐसे माल 1000 के भी नहीं बिक रहे थे 5-6 दिन पहले, बरसात से पहले, जो 1100-1150। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि ज़्यादा क्षेत्र खराब हुआ है? शुगर फ्री की कमी नहीं है। शुगर फ्री की कमी नहीं है, शुगर फ्री वालों को बरसात होने से किसानों को जीवन दान मिल गया एक तरह से। इससे आलू बिक जाएगा, इज्जत से आलू बिक जाएगा। पहले वाले पहले डरता एक दफा कहीं बिके ना। हाँ, कहीं नीचे और ना आ जाए। हाँ, मगर अब बिकता रहेगा, बिकता रहेगा। 15 दिन की जो समय मिल गया है ना, 15 दिन का इसमें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।